हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पीएचपी में कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जूम कर लेता हूं मैं इस फाइल को। सो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इसका सिंबल होता है। द टर्नरी ऑपरेटर इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को ही कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट हैज थ्री ऑपरेंड्स। इसे टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके तीन ऑपरेंड्स होते हैं। जिन ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स होते हैं वो बाइनरी कहलाते हैं, जिनका एक ही ऑपरेंड होता है वो यूनरी कहलाता है, और जिसके तीन ऑपरेंड होते हैं वो टर्नरी कहलाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम टर्नरी ऑपरेटर जब भी कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, कंडीशनल ऑपरेटर की बात हो रही है। The ternary operator is used to evaluate expression from two expressions according to a condition. Ternary operator का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो में से किसी एक expression को use में लेना हो, evaluate करना हो किसी दी गई condition के result के according. इसका जो syntax होता है, सबसे पहले हम condition लिखते हैं question mark से पहले, उसके बाद question mark का निशान, then उसके बाद में expression one, फिर colon expression two. देखिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो एक्सप्रेशन वन है ये एग्जीक्यूट हो जाता है और एक्सप्रेशन टू स्किप हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क से पहले वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन टू है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है और एक्सप्रेशन वन स्किप हो जाता है। फाइन गाइस, सो कंडीशन जो है ये वो एक्सप्रेशन है जिसको चेक किया जाएगा और ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है यूजुअली। अगर बूलियन वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन डाल दिया है, तो उसका मतलब है अगर नॉन जीरो रिजल्ट आ रहा है तो कंडीशन को ट्रू माना जाएगा, जीरो रिजल्ट आ रहा है तो कंडीशन को फॉल्स माना जाता है। एक्सप्रेशन वन, इट इज द एक्सप्रेशन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन रिजल्ट इज ट्रू। एक्सप्रेशन वन वो स्टेटमेंट है, वो एक्सप्रेशन है जो कि एग्जीक्यूट होएगा कंडीशन के ट्रू होने पर। एक्सप्रेशन टू, इट इज द एक्सप्रेशन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन रिजल्ट इज फॉल्स। एक्सप्रेशन टू वो स्टेटमेंट होता है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। सो गाइज, एक सिंपल सा छोटी सी पीएचपी स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसमें हम एक नंबर को टेस्ट करेंगे। अगर नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो ग्रीन कलर से मैसेज आ जाए हमारा, और अगर नंबर लेस देन जीरो है तो रेड कलर से मैसेज आ जाए सिंपली। सो लेट्स डू इट गाइज। सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल ऐड कर ली एंड कंडीशनल डॉट पी एच पी नाम से मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। एच टी एम एल का ब्लॉक बना लिया हमने एंड यहाँ पे लिख दिया हमने कंडीशनल ऑपरेटर। स्टाइल टैग में हमने एक इंटरनल सी एस एस डिफाइन कर दी। दो आईडी सेलेक्टर्स मैंने बना दिए, एक बना दिया पी वन, इसमें मैंने कलर डाल दिया है ग्रीन एंड दूसरा मैंने बना दिया हैश पी टू, इसमें मैंने कलर अप्लाई कर दिया है रेड। फाइन गाइस, नाउ मैंने पीएचपी का ब्लॉक बनाया। यहां पे मैंने डॉलर ए एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कुछ भी वैल्यू हमने पुट करी। अभी मैंने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है वेरिएबल, राइट, तो ये ग्रीन कलर से इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए, अदरवाइज रेड कलर से प्रिंट होनी चाहिए। सो व्हाट आई डू इज, मैंने कंडीशन पुट करी डॉलर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन मार्क के बाद में हमने बेसिकली एक पी टैग लगा दिया, पी टैग को हमने क्लोज कर दिया एंड यहां डाल दिया डॉलर ए। फाइन, ए की वैल्यू आ जाएगी एंड इस पी पर हमने आईडी जो लगाई वो लगा दी हमने पी वन। कॉलन वाले पार्ट पर जो हमने एक्सप्रेशन रखा उसमें हमने एक पी टैग लगाया, पी टैग में यही डॉलर ए की वैल्यू एंड पी टैग पर जो आईडी लगा दी दैट इज पी टू। तो होगा क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आएगी
और अगर फॉल्स होगी तो सेकंड स्ट्रिंग आएगी जिनमें हमने बेसिकली आईडी जो है वो चेंज कर दी है, और इस पूरे स्टेटमेंट को हमने कहाँ डाल दिया, इको पर। फाइन गाइस, सो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमने एग्जीक्यूशन के लिए ब्राउजर स्टार्ट किया, लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम है यूट्यूब एंड फाइल का नाम है कंडीशनल डॉट पी एच पी, इसे हमने एग्जीक्यूट किया। नाउ देखिए 10 जो है वो लिखा हुआ रहा है और ग्रीन कलर से आ रहा है, राइट। अभी देखिएगा मैं इसकी वैल्यू को -10 कर देता हूं यहां पे, रिफ्रेश किया, अभी रेड कलर से लिखा हुआ रहा है। सो ये काम कैसे कर रहा है, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पे चेक हुआ डॉलर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारे पास इको पर जो प्रिंट होने के लिए स्टेटमेंट बचेगा, कॉलन के बाद वाला बचेगा, यानी इतना पार्ट। तो ये एक पी टैग के अंदर डॉलर ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जिस पी टैग पे हमने आईडी सेलेक्टर लगा रखा है P2। फाइन गाइज, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो वेरिएबल्स में से सिंपली मैक्सिमम जो है वो हमें प्रिंट करवाना है, लेट्स सी। सो बाकी मैंने कोड हटा दिया, स्टाइल की मुझे नीड नहीं है, बट पड़ी है वो कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर 10 ले लिया मैंने, डॉलर बी बराबर 20 ले लिया मैंने, जो मैक्स है वो प्रिंट कराना है। तो हमने चेक किया डॉलर ए अगर ग्रेटर देन है डॉलर बी से, क्वेश्चन मार्क के बाद डाल दिया हमने डॉलर ए, कॉलन के बाद हमने डाल दिया डॉलर बी। सो अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी आउटपुट में, और बड़ा नहीं हुआ तो बी की वैल्यू हमारे आउटपुट में आएगी। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, 20 आ रहा है जो कि बी की वैल्यू है। सपोज दैट मैंने इसको 101 कर दिया, अभी 101 आ जाएगा ए की वैल्यू, लेट्स सी। ओके सो गाइज, ये था हमारे पास बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। गाइज कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग को, पीएचपी की कोडिंग को अच्छे से सीख सकें और एक अच्छा सक्सेसफुल बैकएंड डेवलपर बन पाएं। गाइज अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप सजेशन भी कमेंट के रूप में डालें, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो की नीड है, किसी सॉल्यूशन की नीड है, किसी प्रोग्राम की नीड है, तो वो आप शेयर करें, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। गाइज अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरे लिए तो सुपर थैंक्स बटन जो है वो एनेबल्ड है, थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय।